केरोसिन डाल कलेक्ट्रेट पहुंचा युवक, राशन कार्ड नहीं बनने से था परेशान। बीते कई महीनों से लगा रहा था नगर निगम के चक्कर, जिम्मेदार कर रहे थे टालम टोल। 181 में भी की शिकायत, नहीं हुई सुनवाई तो आत्मदाह की कोशिश, अब सुनवाई कर रहे निगम के अधिकारी। राशन कार्ड नहीं बनने से नाराज एक युवक ने जन सुनवाई के दौरान केरोसिन डालकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। युवक के आत्महत्या के प्रयास को पुलिसकर्मियों ने पकड़कर रोका। युवक मूल रूप से उत्तर प्रदेश का निवासी है और पिछले 10 साल से रतलाम में रहकर मजदूरी का काम कर रहा है। उसने यहां नगर निगम से राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन किया था, जो पात्रता नहीं होने के कारण निरस्त हो गया था। युवक ने इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर भी की थी, इसके बाद भी उसकी समस्या का निराकरण नहीं हुआ। युवक आज कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई में आया था। युवक के मुताबिक कलेक्ट्रेट में उसे उसके द्वारा की गई सीएम हेल्पलाइन शिकायत निराकरण के बुलवाया गया था, जिससे वह नाराज हो गया। उसके अपने साथ लाया केरोसिन छिड़का और आत्महत्या करने का प्रयास किया। वहां मौजूद कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों ने पकड़कर उसे रोका। इससे कलेक्ट्रेट में हड़कंप मच गया। नगर निगम में मैंने आवेदन दिया था कूपन के लिए, राशन कार्ड के लिए। हमारा पहले उत्तर प्रदेश का बना हुआ था, तो यहाँ नगर निगम में बोले कि वहाँ से कटवा दो, इसके बाद यहाँ चालू हो जाएगा। तो इसके बाद भी नहीं चालू करा, बोला कि बन नहीं रहे। फिर मैं आप 3 महीने बाद मेरे पास यहाँ से फ़ोन आया 3 महीने पहले कि कूपन बनना चालू हो गया, आवेदन दे जाओ नगर निगम में। नगर निगम में आवेदन दिया, इसके बाद भी कूपन बनाया नहीं मेरा, कुछ भी निरस्त कर दे रहे। तो क्या कारण है निरस्त करने का? हम तो किराए पे रहते हैं, गरीब आदमी हैं, 2 पैसे कमाते, कभी काम मिलता कभी नहीं मिलता, तो क्या कारण है? वोट यहाँ डालते 15-20 साल से हो गए, तो यहाँ क्यों ऐसा करके आ गए, क्या करके आए? कोई सुनवाई नहीं होती ना। सुनवाई कहाँ नहीं हो रही थी तुम्हारी? हाँ जी, कहाँ पर दिया था आवेदन? नगर निगम में दिया था, यहाँ 181 पे वो कौन सर देखते, नाम भी भूल गए, 181 पे कोई सर देखते हैं, तो उनने बुलाया था, तो वो भी गुस्सा हो रहे थे मेरे पे सुबह। फिर मैडम गुस्सा होने लग गई कि अभी तुझे बंद करवा दूंगा, तो मैंने कही लो बंद करवाओ आप। इस वजह से मैंने ये घासलेट पेट्रोल डाला और आग लगाने के आत्महत्या करी कि सुनवाई होगी ऐसे। SDM अनिल भाना पहुंचे, युवक से चर्चा कर उसे समझाया और उसकी शिकायत पर उचित निराकरण करने का आश्वासन भी दिया। क्योंकि हम तो जनसुनवाई में बैठे थे आज, जनसुनवाई के बाद बाद में जब मीडिया और अन्य लोगों ने बताया कि किसी ने कलेक्टर परिसर में केरोसिन डाला है, अपने ऊपर पेट्रोल डाल लिया है, आग लगाने की कोशिश की, तो बाद में जब वो संबंध से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि साहब मैं 2 बार आवेदन दे चुका हूँ, मेरा आवेदन खारिज हो चुका है। अब जब चूँकि पात्रता नहीं है, आप बाहर के रहने वाले हैं, आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, आपके मकान का, जाति का, घर का, आपका कोई एड्रेस हमारे पास है नहीं, आप दिलीप नगर में किराए के मकान से रहते हैं और आप चाह रहे हैं और आपका 2 बार जांच करवाई और खारिज हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में जारी किया जाना मतलब अनावश्यक का प्रेशर है। अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही। इस मामले पर आपकी क्या राय है, आप हमारे साथ कॉमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें।